वक्त की जो बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सबसे पहले वही आपको बता देते हैं। बंधकों की रिहाई का पहला चरण खत्म हो चुका है। इसराइल के 13, फिलिस्तीन के 39 बंधक रिहा, फिलिस्तीन के 39 कैदियों को रिहा किया गया है। कल रिहाई का दूसरा चरण शुरू होने की उम्मीद है। इस वक्त की बड़ी जानकारी ये कि 13 इजरायली और 12 थाईलैंड के नागरिकों को रिहा किया गया है। गाजा से 20 लोग गुप्त रूप से कतर भेजे गए हैं, ऐसी बताया जा रहा है। हमास के बड़े नेताओं के रिश्तेदार होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये हमास के बड़े नेताओं के रिश्तेदार हो सकते हैं जिन्हें भेजा गया है कतर। कतर के सैन्य विमान से गाजा से निकले हैं ये 20 लोग। लेकिन ये जो 20 लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि हमास के बड़े नेताओं के रिश्तेदार हो सकते हैं। लेकिन गाजा में युद्ध विराम नहीं बल्कि महासंग्राम की चिंगारी फूट चुकी है। सीज फायर लागू होने से पहले ही भंग हो गया और यहीं से महासंघार का नया चरण शुरू हो चुका है। इसराइल पर प्रॉक्सी संगठनों के हमले तेज हो गए हैं। ईरान भी महाविनाशक परमाणु बम निर्माण के अंतिम चरण में है। अब जंग आर पार की होने वाली है। तय हो चुका है कि इसराइल का अस्तित्व मिटाकर फिलिस्तीन की स्थापना के लिए जो भी करना पड़े किया जाएगा। ईरान का समर्थन करने वाली महाशक्तियों ने भी अपने विश्व विनाशक हथियार तैनात कर दिए हैं। दोहा संधि विच्छेद के बाद विश्व युद्ध के 10 कुरुक्षेत्र कहां कहां बने हैं इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। गाजा युद्ध में क्षणिक विराम एक धमाके के साथ टूट गया और इस धमाके ने विश्व युद्ध के समीकरण तैयार कर दिए हैं। तय यह हुआ था कि गाजा पर 24 नवंबर की सुबह 7 बजे के बाद कोई बम नहीं गिराया जाएगा, लेकिन 23 नवंबर की शाम को ही इसराइल में सायरन गूंजने लगे। हमास ने इसराइल के तेल अवीव, स्टेरॉड और अराद पर रॉकेटों की झड़ी लगा दी। और पलटवार में दक्षिणी गाजा पर इसराइल ने पहली बार उत्तरी गाजा जैसे भीषण हमले किए। इन तस्वीरों ने यह तय कर दिया कि युद्ध में कोई विराम नहीं होगा बल्कि अब तय हो चुका है कि महासंग्राम होगा। महासंग्राम की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस जंग में दुनिया के कई महाद्वीप फंसने वाले हैं। अरब में इसराइल अमेरिका बनाम लेबनान, जॉर्डन यमन की जंग छिड़ने वाली है। यूरोप में रूस बनाम यूक्रेन, फिनलैंड पोलैंड और नेटो के बीच महायुद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। एशिया में साउथ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनातनी बढ़ गई है। वैश्विक तनाव पहले से ही चरम पर था और अरब युद्ध ने इस आग में घी का काम किया। अभी जो जंग अरब में फैली हुई है वो देखते ही देखते दुनिया भर में फैल सकती है। एक्शन भले ही अरब में दिखाई दे रहा हो लेकिन दुनिया में वर्ल्ड वॉर के 10 फ्रंट तैयार हो चुके हैं। ये फ्रंट कौन कौन से हैं ये जानिए। पहला फ्रंट है ईरान, इसराइल, अमेरिका। ईरान ने इसराइल को हाइपरसोनिक मिसाइल हमले की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि गाजा युद्ध नहीं रुका तो यूएस तक इसकी आग फैलना तय है। दूसरा फ्रंट है यूक्रेन और रूस। रूस यूक्रेन पर आक्रमण तेज कर चुका है। रूस ने यूक्रेन पर क्लस्टर बॉम्ब हमले बढ़ा दिए। अगले हफ्ते बड़े एक्शन का ऐलान किया गया है। तीसरा फ्रंट है लेबनान और इसराइल। लेबनान से हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमले बढ़ा दिए हैं। युद्ध विराम को तैयार नहीं है हिजबुल्ला संगठन। चौथा फ्रंट है सीरिया, अमेरिका और रूस। सीरिया में अमेरिका के सैन्य बेस पर हमले लगातार हो रहे हैं। यहां रूस समर्थित इस्लामिक रेजिस्टेंस गुट के हमले भी जारी हैं। पांचवा फ्रंट है इराक और अमेरिका का। इराक में यूएस बेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। इराकी मिलिशिया पर यूएस के पलटवार भी शुरू हो गए हैं। इसके बाद इराक ने कहा है कि यूएस के हमलों से युद्ध भड़केगा। एशिया में उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया छठा फ्रंट बन रहा है। किम जोंग ने गुरुवार को ही बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। अब किम जोंग सैटेलाइट से साउथ कोरिया की जासूसी भी कर रहा है। डीएमजेड यानी नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच डीमिलिटराइज्ड जोन के नजदीक साउथ कोरिया के टैंक तैनात हो चुके हैं। मतलब ये कि दोनों देश के बीच तनाव अपने चरम पर है। सातवां फ्रंट यूरोप में है, फिनलैंड और यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच ये तैयार हो चुका है। दरअसल फिनलैंड बॉर्डर पर शरणार्थियों की कतार लगी है।
फिनलैंड ने बंद कर दिया है अपना बॉर्डर और कह दिया है, फिनलैंड ने कहा है कि शरणार्थी घुसपैठ रूस साजिश के तहत करा रहा है। यू ने हालात संभालने के लिए फिनलैंड बॉर्डर पर अपनी फोर्स भेजी है। आठवां फ्रंट है यमन, इसराइल और अमेरिका के बीच बन रहा। दरअसल हूती ने इसराइल पर मिसाइल हमले किए, लेकिन यूएसएस हडनर ने हूती की इंटरसेप्ट कर ली मिसाइलें। इंटरसेप्ट कर दी गई, अब अरब में यूएस के सैन्य बेस हूती के टारगेट पर है। और नौवां फ्रंट जिस पर युद्ध छिड़ने की आशंका है वो रूस बनाम नेटो है। बुधवार को प्राग में विसेग्राद ग्रुप की मीटिंग हुई थी, इसमें पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया शामिल हुए। मीटिंग के बाद चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया। चेक रिपब्लिक ने कहा है कि नेटो रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। दसवां फ्रंट है गाजा, हमास और इसराइल। सीजफायर के दौरान भी बमबारी और रॉकेट हमले जारी हैं। हमास के अराद, सडेरोट, तेलवीव पर हमले हो रहे हैं। ये सभी फ्रंट ऐसे हैं जहां रूस अमेरिका के बीच सीधा टकराव है। युद्ध के इन दसों मोर्चों पर टकराव अमेरिका और रूस का, और इस टकराव में अपने अपने हित के हिसाब से दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग खेमे से जुड़े हैं। अरब के युद्ध की चिंगारी दुनिया भर में फैल चुकी है और हर मोर्चे पर बड़ा एक्शन जारी है। यूरोप में अमेरिका और रूस के टकराव का कारण बना यूक्रेन युद्ध, और जब तक अमेरिका इसराइल में उलझा है तब तक रूस उस फ्रंट को जीतना चाहता है। इसके लिए उसे चाहिए हथियार और ये ईरान से मिलने वाले हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है। बदले में ईरान को रूस से इलेक्ट्रॉनिक और डिफेंस सिस्टम की तकनीक मिलने वाली है। अरब में जंग छिड़ने के बाद विश्व युद्ध का सबसे बड़ा एपिसेंटर ईरान बन गया है, और ये हलचल दिखाई भी दे रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान गुरुवार को कतर में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला से मिले। इस बैठक में गाजा युद्ध पर विस्तार से चर्चा हुई और बैठक के बाद ऐलान कर दिया गया कि अगर युद्ध में ईरान उतरा तो अरब ही नहीं दुनिया के कई हिस्सों में हालात बिगड़ जाएंगे, क्योंकि ईरान इस वक्त अरब में एक बड़ी पावर बन चुका है। हूती संगठन की कमान ईरान के हाथ में है और कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है। हिजबुल्ला ईरान के इशारे पर हमला बोल देगा। इराक, सीरिया के शिया मिलिशिया ईरान के नियंत्रण में है। ईरान को रूस का खुला समर्थन है। ईरान को चीन का भी खुला समर्थन मिला हुआ है। ईरान ने 66% से ज्यादा यूरेनियम संवर्धित कर लिया है। ईरान वेपन ग्रेड यूरेनियम तैयार कर चुका है। बहुत जल्द ईरान परमाणु हथियार बना लेगा। हालात ऐसे हैं कि इस वक्त दुनिया के कई मोर्चों पर परमाणु खतरा मंडरा रहा है। रूस ने भी अपने सबसे विनाशक हथियारों की तैनाती कर दी है। रूस ने यूएस के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ जिरकॉन तैनात कर दी है। यार्स और सरमत को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। अटलांटिक महासागर में रूस के न्यूक्लियर सबमरीन यूएस के नजदीक तैनात है। आर्कटिक बेस पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर वॉर रेडी हैं। इस वक्त धरती एक साथ कई परमाणु चक्रव्यूह में फंसी है। धरती पर कहां कहां परमाणु तैनाती हो चुकी है ये जानिए। नेगेव रेगिस्तान में इसराइल के परमाणु केंद्रों पर हलचल है। नीदरलैंड्स के वॉलकेल यूएस एयरबेस पर परमाणु हथियार तैनात कर दिए गए हैं। रूस ने आईसीबीएम वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दी है। एशिया में नॉर्थ कोरिया ने परमाणु विस्फोट की तैयारी कर ली है।
अरब की जंग में अगर इसराइल पर हिजबुल्ला के हमले होते रहे, ईरान जंग में उतरा, तो उसके खेमे के सभी देश कभी भी जंग छेड़ सकते हैं और यही वर्ल्ड वॉर का प्रवेश द्वार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर दक्षिण गाजा से। दक्षिण गाजा में आज भी हुई बमबारी। खान यूनुस के खुजा में इजरायली बमबारी हुई है। बमबारी में रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गई। जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन जंग में वैगनर लड़ाकों को उतार कर खलबली मचाई, ठीक उसी तरह अब गाजा युद्ध में हमास की तरफ से 10 संगठन मोर्चा संभालने वाले हैं, इजरायली सेना पर कहर बरपाने वाले हैं। जी हां, सीजफायर की आड़ में हमास ने युद्ध नीति बदलते हुए कॉन्ट्रैक्ट किलर यानी भाड़े के लड़ाकों से जंग जीतने का प्लान बनाया। आशंका तो ये तक जताई जा रही है कि मौजूदा वक्त में कई फॉरेन मिलिशिया IDF के खिलाफ जंग भी लड़ रहे हैं। मगर इसी बीच नेतन्याहू ने भी पलटवार करने के लिए फॉरेन मर्सनरी को गाजा के बैटल में उतारने का फैसला किया है। तो क्या गाजा युद्ध का नया संस्करण गाजा दहन की वजह बनेगा? देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 49 दिनों से गाजा का विध्वंस हो रहा था। बीते 49 दिनों से गाजा में IDF का विनाशक प्रहार जारी था। बीते 49 दिनों से इजरायली सेना के खिलाफ हमास का पलटवार जारी था, मगर अब गाजा दहन की तैयारी हो रही है। युद्ध विराम की आड़ में गाजा का वजूद मिटाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है और शायद यही वजह है जिसके चलते ये आशंका जताई जा रही है कि 100 घंटे में गाजा में फॉरेन मिलिशिया का महासंग्राम होगा। प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल होगा, भीषण नरसंहार होगा। जी हाँ, इसराइल और हमास के बीच 4 दिनों के सीज फायर का ऐलान किया गया, मगर ये युद्ध विराम चंद मिनट ही कायम रह सका क्योंकि IDF और हमास ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। मगर इसी बीच खबर सामने आई कि हमास के समर्थन में विदेशी लड़ाके वॉर जोन में उतर चुके हैं। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल IDF के हमले में हमास के 4 लड़ाके मारे गए, जिनमें 2 लड़ाकों का ताल्लुक लेबनान से था, जबकि 2 लड़ाके तुर्की के नागरिक पाए गए। लेबनान बॉर्डर के पास IDF की एयर स्ट्राइक में मारे गए हमास के 2 लड़ाकों का ताल्लुक तुर्की से होना हैरान कर देने वाला था। क्या हमास ने विदेशी लड़ाकों को अपने गुट में शामिल किया? क्या भारी भरकम रकम देकर भाड़े के लड़ाके जुटाए? दरअसल ये आशंका बीते कई वक्त से जताई जा रही थी कि गाजा की सरजमी पर फॉरेन मर्सनरी यानी भाड़े के लड़ाके उतरे हुए हैं, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि हमास ने सीज फायर पर हामी इसलिए भरी ताकि 4 दिनों के दौरान फॉरेन मर्सनरी की फौज जुटाई जा सके। आखिर हमास के लिए जंग लड़ने के लिए PMC कहां से आने वाले थे, ये भी जान लीजिए। इराक से लड़ाके सीरिया के रास्ते गोलन हाइट्स तक पहुंचे, वहीं ईरान के लड़ाके तुर्की के रास्ते गाजा में दाखिल होंगे। लीबिया के PMC फाइटर मिस्र के जरिए गाजा तक पहुंचेंगे। यमन से हूती लड़ाकों की टुकड़ी गाजा की तरफ रवाना हुई। PMC वैगनर लड़ाके सीरिया के रास्ते लेबनान में दाखिल होंगे। सूडान के लड़ाके रेड सी के रास्ते गाजा पट्टी में दाखिल होंगे। तालिबानी लड़ाकों के भी गाजा जंग में उतरने की आशंका बढ़ी। मतलब ये कि अब तक गाजा में हमास के लड़ाके और इजरायली सेना के बीच आर पार की जंग हो रही है। दोनों एक दूसरे को तबाह करने के लिए बारूदी प्रहार कर रहे थे, मगर जल्द ही गाजा की सरजमी पर फॉरेन मर्सनरी यानी भाड़े के लड़ाके युद्ध लड़ते दिखाई देंगे, जिनका सिर्फ एक ही मकसद होगा, दुश्मन को मौत के घाट उतारना। लिहाजा
हमास के खूंखार प्लान का पलटवार करने के लिए इसराइल ने भी फॉरेन मर्सिनरीज को गाजा पट्टी में उतारने की तैयारी कर ली। और जानते हैं आईडीएफ की तरफ से हमास का खात्मा करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? स्पेन के कातालोनिया लड़ाकों को। जल्दी गाजा में स्पेन के जिन कातालोनिया लड़ाकों की एंट्री होगी वो एक प्रोफेशनल फाइटर्स हैं, जिनका सिर्फ एक काम है, जंग लड़ना, वो भी दुनिया के किसी भी कोने में। आपको बता दें कि कातालोनिया लड़ाके गोरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं, टनल वॉर में भी कातालोनिया को महारत हासिल है। आईडीएफ कातालोनिया लड़ाकों को आधुनिक वेपन देगी, हर लड़ाके को एक सप्ताह में 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। स्पेनिश अखबार एल मुंदो ने यह दावा किया है कि इसराइल ने पीएमसी यानी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी से करार कर लिया है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि गाजा में दस्तक देने वाले कातालोनिया लड़ाकों की तादाद क्या होगी, मगर एक बात शीशे की तरह साफ है कि अगर जंग में इसी रफ्तार के साथ विदेशी लड़ाके या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर उतरे तो फिर गाजा के बैटल ग्राउंड में प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल भी धड़ल्ले से होगा। यानी अब तक तो गाजा का विध्वंस हो रहा था, मगर जैसे हालात बन रहे हैं उससे गाजा का दहन तय है। रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, अस्पताल में बमबारी के कारण मरीजों का ट्रांसफर, जख्मी लोगों को कंधे पर लेकर भाग रहे हैं लोग। दक्षिण गाजा के अस्पताल पहुंचाया जा रहा है इन मरीजों को। देखिए किस तरह से अपने कंधे पर लेकर ही पहुंचा रहे हैं दक्षिण गाजा के अस्पताल। उनचासवें दिन गाजा युद्ध एक नए मोड़ पर जा पहुंचा है। सीजफायर के बीच बंधकों की रिहाई का पहला चरण शुरू हो गया है, मगर इस युद्ध में अभी सबसे बड़ा तूफान आना बाकी है। हमास ने साफ कर दिया है कि इसराइल के अंत तक वो जंग लड़ता रहेगा। वहीं इसराइल ने ऐलान किया है कि युद्ध विराम के बाद आने वाले 1500 घंटे हमास का काल लेकर आएंगे, यानी ये जंग और ज्यादा भीषण होने वाली है, जिसका ट्रेलर भी सीजफायर के महज 15 मिनट के बाद दिखने लगा। दरअसल 15 मिनट के बाद ही इसराइल और हमास लड़ाकों के बीच वार पलटवार शुरू हो गया, जो बताता है कि गाजा का यह रण अब एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। न जमीन से आती गोलियों की तड़तड़ाहट खामोश हो रही है, ना इजरायली टैंक रुकने का नाम ले रहे हैं। और ना ही हमास के रॉकेट विराम के लिए तैयार है। ये सीज फायर का सारांश है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि इसराइल में बारूदी बवंडर अभी थमा नहीं है, ना इसराइल के विनाशक टैंक और फाइटर जेट खामोश है, और ना ही हमास के लड़ाकों ने बैरल से रॉकेट बाहर निकाले। सात हफ्तों की कोशिशों के बाद बंधकों की रिहाई पर बात बनी थी, जिसकी पहली शर्त थी 4 दिनों का युद्ध विराम, जो इजरायली समय के मुताबिक आज सुबह 7 बजे से होना था। युद्ध विराम में महज कुछ मिनट का वक्त शेष बचा था, तभी दक्षिणी गाजा में एक जबरदस्त धमाका होता है। लोगों को उम्मीद थी कि इस विस्फोट के बाद अगले 4 दिनों तक गाजा की जमीन पर धमाकों की गूंज नहीं सुनाई देगी, मगर हकीकत इसके विपरीत। युद्ध विराम को महज 15 मिनट ही बीते थे, अचानक इसराइल में गाजा बॉर्डर के पास रॉकेट हमले के सायरन बज उठे और दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया।
सवाल है कि सीज़फ़ायर भंग होने का असली दोषी कौन है? बार बार सीज़फ़ायर टूटने के पीछे इसराइल है या हमास? गाजा में सीज़फ़ायर क्यों भंग हो रहा है? सवाल का सही सही जवाब तो किसी के पास नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि मृत्यु लोक बन चुके गाजा में बारूद का विराम नहीं लगा है। और आने वाले दिनों में ये जंग और ज्यादा भीषण होने वाली है, जिसका ऐलान हमास और इसराइल दोनों ने कर दिया है, वो भी साफ साफ लहजे में। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बयान जारी कर कहा है, सीज फायर एक छोटी सी राहत है, गाजा की जंग अभी रुकी नहीं है, युद्ध कम से कम 2 महीने और चलेगा, 60 दिन यानी 1500 घंटे भीषण जंग चलेगी। इजरायली रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि नेतन्याहू की आर्मी लंबे युद्ध के लिए तैयार है। इसीलिए सीज फायर के दौरान भी इजरायली सेना ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इजरायली सेना ने साफ साफ कहा है कि उसके टैंक और सैनिक अपनी पोजीशन से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। इसराइल की सेना ना तो पीछे लौट रही है और ना ही उत्तरी गाजा से विस्थापित लोगों को वापस लौटने दे रही है। कोई घोड़े टांगे पर सवार है तो कोई हाथों में सामान की गठरी लिए पैदल ही घर की तरफ लौट रहा है। ये वीडियो खान यूनुस शहर का है, जहां से लोगों ने वापस अपने घरों की तरफ लौटना शुरू किया, मगर कुछ दूर जाते ही लोगों पर इसराइली सेना ने फायरिंग शुरू कर दी। इजरायली सेना की इस फायरिंग में कई लोग मारे गए, सड़कों पर हर तरफ लाश बिखरी नजर आई। साफ है सीज़फ़ायर के दौरान इजरायल किसी भी हालात में कोई बदलाव नहीं चाहता है, ना लोगों को वापस आने देना चाहता है और ना ही एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार है। सीज़फ़ायर के बीच इसराइल एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि सीज़फ़ायर के बाद जंग और तेज होगी। उधर दूसरी तरफ हमास ने ऐलान कर दिया है कि वो अगले कई महीनों तक युद्ध के लिए तैयार है। इसराइल जहां आक्रामक है, वहीं हमास ने और कड़े तेवर अख्तियार कर लिए हैं। हमास इस जंग में इसराइल के खिलाफ आखिर तक लड़ने की कसम खा चुका है। हमास ने ऐलान कर दिया है कि सीज़फ़ायर के बाद ये लड़ाई इसराइल के अंत तक चलती रहेगी, फिर इसमें 2 महीने या 2 साल का ही वक्त क्यों न लगे। हमास की अल-कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बयान जारी कर कहा है, दुश्मन जीत के लिए नरसंहार कर रहा है, अभी उनका मानवीय नुकसान शुरू नहीं हुआ, जंग बंद करने का सवाल ही नहीं उठता, अब ये युद्ध और ज्यादा भीषण होगा, हम इसराइल के खात्मे तक लड़ते रहेंगे। यानी हमास आने वाले दिनों में और ज्यादा विध्वंसक होने वाला है, और इस बार उसके टारगेट पर इसराइल की सेना नहीं बल्कि एक बार फिर इसराइल के लोग होंगे। इसराइल और हमास के ये जो बयान आए वो सीज़फ़ायर शुरू होने से पहले सामने आए। इन बयानों से साफ है कि फिलहाल युद्ध पर विराम नहीं लगने वाला, ये लड़ाई अब और भीषण होगी, जिसका ट्रेलर इसराइल ने सीज़फ़ायर लागू होने से पहले दे दिया था। धमाके का ये वीडियो खान यूनुस का है, जहां इसराइल की सेना ने बंकर बस्टर बम से हमला किया, जिसके बाद इसराइल के सैनिक जश्न मनाते नजर आए। ये वीडियो हमले के बाद का है। जबालिया कैंप में हर तरफ तबाही और बर्बादी देखी जा सकती है। इसराइल की वायुसेना ने नुसरत कैंप पर बड़ा प्रहार किया, यहां हुए धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई। रात के वक्त शिन बैत में इसराइल ने हमला किया, इस हमले में हमास के नौसैनिक बल के कमांडर अबू जल्लाह की मौत हो गई। इधर हमास भी इसराइल पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ये वीडियो हमास की अली मुस्तफा ब्रिगेड ने जारी किया है, जिसमें हमास लड़ाकों को इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और मोर्टार से हमले करते देखा जा सकता है।
हमास वेस्ट बैंक में भी इसराइल के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी में है, जिसका ट्रेलर भी अबू उबैदा के बयान में दिखता है। हम पूरे वेस्ट बैंक पर टकराव को बढ़ाने का आह्वान करते हैं। हमारे लड़ाके इसराइल का सामना करने के लिए तैयार है। अबू उबैदा की स्पीच जेनिन में लाउड स्पीकर पर लोगों को सुनाई जा रही है। साफ है हमास इस जंग को अब वेस्ट बैंक तक ले जाने की तैयारी में, जहां इसराइल पहले से ही जंग की तैयारी कर रहा है, यानी इस युद्ध का विराम दूर दूर तक नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारत। युद्ध शुरू होने के बाद से ही इसराइल गाजा के अस्पताल, मस्जिद और स्कूलों पर हमले कर रहा है। इसराइल का दावा है कि इन जगहों को हमास हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यहां हमास की सुरंगों का जाल भी बिछा है। अब IDF ने कई वीडियो सबूत जारी किए हैं। इन वीडियो में अस्पताल और मस्जिदों में हमास की सुरंगें दिख रही हैं। साथ ही IDF का दावा है कि हमास ने स्कूल और बच्चों के कमरों को हथियार गोदाम बना रखा था। कुछ दिन पहले इसराइल ने अल शिफा अस्पताल के नीचे सुरंग होने का पहला सबूत दुनिया के सामने पेश किया था, मगर अब इसराइल ने मस्जिद से लेकर स्कूल और रेफ्यूजी कैंपों में हमास की सुरंग और सेंटर होने के सबूत जारी कर दिए हैं। मस्जिद में सुरंग, अस्पताल में सुरंग, बिजली ग्रिड के नीचे सुरंग, बच्चों के बेडरूम में हथियार। इसराइल का दावा है कि जमीन के नीचे बनी इन्हीं सुरंगों में बंधकों को रखा गया था। इन्हीं सुरंगों के जरिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, वो भी दुनिया की नजरों से छिपाकर। जंग शुरू होने के बाद से ही इसराइल अस्पतालों और मस्जिदों पर हमले कर रहा है, जिसके पीछे की वजह यही सुरंगें हैं। और अब इसका वीडियो सबूत भी IDF ने खुद जारी किया है। सबूत नंबर 1, ये वीडियो जबालिया का है, जहां इसराइली सेना की नाहल ब्रिगेड ने बड़े एक्शन को अंजाम दिया। इसराइली जवानों ने यहाँ मौजूद एक मस्जिद पर रेड की। इस दौरान हमास लड़ाकों और इसराइली सैनिकों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। जब इसराइली जवान मस्जिद में दाखिल हुए तो वहां हमास के रॉकेट लॉन्चर और हथियार मौजूद थे। हथियारों के पास सुरंग का एक शाफ्ट भी मौजूद था, जहां से हमास के जवान भागने की। सिर्फ इतना ही नहीं, इसराइल का दावा है कि आसपास के इलाके से 6 से ज्यादा शाफ्ट मिले हैं, जिन्हें तबाह कर दिया गया। सबूत नंबर 2, अब दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो अल शिफा अस्पताल के नीचे मौजूद टनल का है। इसराइल का दावा है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे बनी सुरंग में ही पहली बार बंधकों को लाया गया था। हमास लड़ाके गाजा पट्टी का बॉर्डर पार करके बंधकों को अगवा कर इसी अस्पताल में लेकर आए थे। इसराइल ने अस्पताल में सुरंग होने का 9 मिनट का वीडियो जारी किया है। IDF ने शिफा अस्पताल के निदेशक को भी गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें पूछताछ के लिए शिन बैत लाया गया है। दरअसल इसराइल का दावा है कि शिफा अस्पताल हमास मुख्यालय के रूप में काम करता था और अस्पताल निदेशक के पास हमास से जुड़ी हर जानकारी मौजूद है। IDF के जवान शिन बैत में अस्पताल निदेशक से पूछताछ कर रहे हैं। इधर इसराइल ने सीज फायर से पहले गाजा के अस्पतालों पर फिर बड़े हमले किए। ये वीडियो कमाल अदवान अस्पताल का, जहां सीज फायर से 12 घंटे पहले इसराइल ने बड़ी स्ट्राइक की। इस हमले में 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा इसराइल ने अल कुवाती अस्पताल के आसपास मौजूद इमारतों पर भी हमले किए। हाय
सबूत नंबर 3, सिर्फ अस्पताल और मस्जिद ही नहीं, हमास मासूम बच्चों के स्कूल और कमरों को भी हथियार गोदाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये वीडियो एक हमास लीडर के घर का है जहां IDF ने रेड की। रेड के दौरान बच्चों के कमरे से हथियार मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पास में मौजूद बिजली ग्रिड के पास भी हमास की टनल के 4 शाफ्ट इजरायली सैनिकों को मिले, जिन्हें बुलडोजर की मदद से बर्बाद कर दिया गया। हमास की सुरंगों और हथियार गोदामों को लेकर IDF जितनी तेजी से सबूत जारी कर रहा है, उतनी ही रफ्तार से इन सुरंगों को तबाह भी कर रहा है, क्योंकि इजराइल जानता है जब तक सुरंगों का मकड़ जाल नष्ट नहीं हो जाता तब तक हमास का मिटना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को बड़ी बढ़त मिली है। रूस ने यूक्रेन की जमीन पर क्लस्टर बॉम्ब और फॉस्फोरस बॉम्ब के हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान हो रहा है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट है कि यूक्रेन की फौज कमी हो गई है। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन के 2 बड़े हथियार हाइमास और ATACMS का तोड़ भी निकाल लिया है। देखिए, रूस यूक्रेन के फ्रंट पर जंग कितनी भयानक और विनाशक हो गई है। आसमान से एक बम गिरा और सैकड़ों छोटे बमों में तब्दील हो गया। इनके धरती से टकराते ही एक साथ सैकड़ों विस्फोट हुए और तबाही मच गई। November 22 and 23 को रूस ने यूक्रेन में क्लस्टर बमों के साथ ही फॉस्फोरस बम से भी हमले किए। फॉस्फोरस बम हमले के बाद जमीन से आसमान तक सफेद धुएं का गुबार फैल गया। रूस ने ये विनाशक हमले यूक्रेन के पलटवार के बाद किए। यूक्रेन ने क्रीमिया में 14 ड्रोन हमले किए जिन्हें इंटरसेप्ट कर दिया गया। इसके साथ ही डोनेस्क क्षेत्र में ड्रोन हमले नाकाम किए गए। वोल्गा पर भी रूस ने 3 ड्रोन इंटरसेप्ट किए। यूक्रेन के इन हमलों के बाद रूस ने यूक्रेन पर विध्वंसक वार शुरू कर दिए। रूस ने अवदीवका पर मिसाइल हमला किया। यूक्रेन के कब्जे वाले खेरसोन पर क्लस्टर बम से हमला किया। यूक्रेन ने कहा है कि रूस के हमले में 3 आम लोग मारे गए। रूस के हमले इतने विध्वंसक हो चुके हैं कि यूक्रेन की सेना में सैनिकों की कमी हो गई है। नवंबर के 24 दिन में रूस ने यूक्रेन के 19,700 से ज्यादा सैनिक मारे। रूसी मीडिया की रिपोर्ट है कि मरने से डरे सैनिक मोर्चा छोड़ रहे। इस साल यूक्रेन के 4,638 सैनिक मोर्चा छोड़ चुके हैं। 10,940 अस्थायी सैनिक देश छोड़कर जा चुके हैं। नवंबर में 161 ऐसे केस आए जब सैनिकों ने खुद को जख्मी कर लिया ताकि युद्ध न लड़ना पड़े। मोर्चा छोड़ने वाले सैनिकों को 5 साल की जेल का प्रावधान है। सैनिक लड़ने से बेहतर जेल में रहना चुन रहे। यूक्रेन के कई इलाकों में मोर्चे खाली होने से रूसी सेना को बढ़त मिल रही है। खास बात यह है कि अब रूस ने अमेरिका के हाइमार्स और ATACMS मिसाइलों का तोड़ भी निकाल लिया है। हाइमार्स गाइडेड रॉकेट और ATACMS मिसाइलों से रूस को खासा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अब इनके मुकाबले का हथियार भी रूसी फौज को मिल चुका है। ये है बेलारूस का पोलोंज M मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। पोलोंज MLRS को मिन्स्क की एक कंपनी ने 2015 में डिजाइन किया था और अब इसे अपग्रेड करके नाम दिया गया है पोलोंज M। बेलारूस का ये हथियार अब रूसी सेना को दिया जाने वाला है। युद्ध क्षेत्र में ये अमेरिकी हथियारों से मुकाबला करेगा। इसकी खासियत क्या है ये जानिए। इसके लॉन्चर में 8 मिसाइल होती है जबकि यूक्रेन को दिए गए हाइमार्स सिस्टम में 6 मिसाइल होती है। पोलोन 7 मिनट में हमले के लिए तैयार हो जाता है। यूक्रेनी हाइमार्स को हमले के लिए तैयार होने में 11 मिनट लगते हैं। पोलोन्स की रेंज 120 से 300 किलोमीटर तक है जबकि यूक्रेन के हाइमार्स की रेंज 50 से 140 किलोमीटर तक है। पोलोन से हर 7 सेकंड में एक मिसाइल फायर की जा सकती है। हाइमार्स से 13 सेकंड के अंतर पर मिसाइल फायर होती है। पोलोन्स के 98% हमले सफल होते हैं जबकि यूक्रेनी हाइमार्स से पुराने वर्जन के 88% हमले ही सटीक होते हैं।
यानी जंग में अब हाईमार्स के मुकाबले रूस को बेहतर हथियार मिल चुका है और इससे रूस को जंग में बढ़त मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आयरलैंड की राजधानी डबलिन धधक रही है। डबलिन शहर में दंगा भड़क गया है। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने शहर के कई इलाकों में आग लगा दी। पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और पुलिस के साथ मारपीट की गई। डबलिन के मार्केट लूट लिए गए। आखिर डबलिन में ऐसा क्या हुआ जिससे हालात इतने खराब हो गए, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। गुरुवार की रात को आयरलैंड की राजधानी डबलिन का हाल कुछ ही घंटों में ऐसा हो गया। डबलिन की सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे तो उनके हाथों में तख्तियां थी जिसमें लिखा था आयरिश लाइव्स मैटर, और देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने सिटी सेंटर से विरोध प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन काबू करने पहुंची पुलिस की गाड़ी फूंक दी। एक प्रदर्शनकारी ने जलता हुआ कार्डबोर्ड गाड़ी में रखा और आग लगा दी। डबलिन शहर के अलग अलग इलाकों में लोगों ने आग लगा दी। शहर के 25 से ज्यादा VIP इलाके आग के हवाले कर दिए गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची तो लोग फायर ब्रिगेड से भिड़ गए। फायर ब्रिगेड का रास्ता रोक लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की टुकड़ियों को घेर लिया और पुलिस कर्मियों को भी पीटा। ये दंगा दरअसल एक वारदात के बाद भड़का। डबलिन में एक शख्स ने चाकू से 3 बच्चों पर हमला कर दिया। एक महिला भी इस हमले का शिकार हुई। हमले में 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हमलावर अल्जीरियाई मूल का आयरिश नागरिक है। इस हमले के बाद आयरलैंड के मूल निवासियों ने अवैध शरणार्थियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। मूल निवासियों ने शरणार्थियों के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी। शरणार्थियों को सुविधाएं देने के सरकारी फैसले से लोग भड़क गए और शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आग के हवाले कर दिया। मामला यही नहीं रुका, लोगों ने शरणार्थियों पर हमले भी शुरू कर दिए। लोगों ने उस हॉलिडे इन एक्सप्रेस होटल को भी फूंक दिया जिसमें शरणार्थियों के रुकने की आपात व्यवस्था की गई थी। हालात बिगड़ता देख शुक्रवार की सुबह डबलिन में बसे अवैध शरणार्थी शहर छोड़ने लगे। पेरिस के बाद शरणार्थियों के खिलाफ गुस्सा डबलिन में भड़का है। जाहिर है यूरोप में शरणार्थी बनाम मूल नागरिकों का मुद्दा हिंसक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। एक तरफ भूमध्य सागर में बारूदी जलजला आने की आशंका है, दूसरी तरफ लाल सागर भी सुलग सकता है क्योंकि हूती ने इसराइल से इंतकाम की आग में कार्गो शिप को हाईजैक करके यमन के बंदरगाह तक पहुंचा दिया है। हूती ने ऐलान किया है कि जब तक गाजा पर हमले नहीं रुकेंगे तब तक रेड सी में इसी तरह पश्चिमी देशों के जहाजों को टारगेट किया जाता रहेगा। हमास हिजबुल्ला के बाद हूती ने हुंकार भरी है। जैसे गैलेक्सी लीडरशिप को कब्जे में लिया वैसे ही लाल सागर से गुजरने वाले हर इजरायली और अमेरिकी शिप को हाईजैक करेगा। एकदम हॉलीवुड स्टाइल में हेलीकॉप्टर से हूती लड़ाके उतरेंगे और गन पॉइंट पर शिप पर कब्जा कर लेंगे। दो दिन पहले कार्गो शिप अगवा किया गया था।
शिप पर मौजूद 25 सदस्यों को बंधक बना लिया गया। शिप को यमन के बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया है, जिसमें यमन नेवी ने हूती लड़ाकों की मदद की, जिसके बाद हूती की तरफ से हाईजैक का वीडियो जारी किया गया और इसराइल को धमकी देते हुए हूती प्रवक्ता अब्दुल सलाम ने कहा, हाईजैक केवल शुरुआत है, जब तक इसराइल अपने गाजा अभियान को रोक नहीं देता तब तक और समुद्री हमले जारी रहेंगे। हालांकि इसराइल ने शिप पर किसी भी इसराइली के होने से इनकार किया है। इस बीच यमन नेवी कमांडर हूती लड़ाकों से मिलने शिप पर पहुंचे, उनसे हाथ मिलाया, शिप पर बंधकों से भी मुलाकात की और आश्वासन दिया कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसराइल के लिए लाल सागर में भी खतरा पैदा हो गया है। वैसे भी हूती लड़ाके यमन से मिसाइल दागते रहे, लेकिन शिप को हाईजैक करके अपने खौफनाक मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड अब्दुल रचा यूसुफ शहलाई है, जो एक ईरानी कमांडर है जिसने लाल सागर में हाईजैक को अंजाम दिया। यमन में उसका अच्छा खासा दबदबा है। यूसुफ आईआरजीसी कमांडर कासिम सुलेमानी का राइट हैंड रह चुका है। इराक, सीरिया और यमन में ईरान के प्रॉक्सी संगठनों पर इसी का कंट्रोल है। बताया जा रहा है कि पिछले एक महीने में अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों के पीछे भी यूसुफ शहलाई का ही दिमाग था।